तो आदि पुरुष मूवी आप लोगों ने अब तक देख ली होगी, बट इस मूवी में कितनी चीजें कॉपी की गई है हॉलीवुड, मार्वल या पता नहीं कहां कहां से, आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। खैर अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो क्या ही स्पॉयलर्स देने, मुझे पता आप नहीं देखने वाले हो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, तो ये सीन है हमारे प्रभु श्री राम का यानी प्रवास का, जहाँ पे ये समुंदर के नीचे बैठ के ध्यान लगा रहे हैं। ये पूरा सीन उठाया गया है एक्सटेंशन से, जो कि क्रिस हेम्सवर्थ यानी थॉर की एक मूवी है। बहुत से फैंस मानते हैं कि एक्सटेंशन से उठाया गया है, लेकिन बहुत से फैंस मानते हैं थोड़ा अलग है, बट आप खुद ही देख के अंदाजा लगा सकते हो। नंबर टू, लंका। अब हमें ये बात पता है कि रावण की लंका सोने से बनी हुई थी, लेकिन आदि पुरुष वालों ने सोचा क्यों ना थॉर के एस्कार्ड को ही कॉपी कर ले, बस डार्क कर देंगे और बन गई लंका। एंड सेम वैसा ही हुआ, इन्होंने पूरा डिजाइन ही एस्कार्ड से चुरा लिया है। जरा देखो, हर एक चीज एकदम परफेक्ट कॉपी की गई है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप रावण के इस सीन को देखोगे तो ये पूरी तरह हेला के इस सीन से मैच करता है, यानी रावण को हेला से पूरी तरह मैच करवा दिया। नंबर थ्री, ये भी सीन हमारे प्रभु श्री राम का है, या फिर तो मैं कहूँ प्रभास का है, क्योंकि जब ये इंडेनम से फाइट कर रहे थे तो जरा इस सीन को देखो, ये पूरा बाहुबली से ही उठा लिया गया है। मतलब प्रभास की एक और मूवी का ही सीन एक न्यू मूवी में ही चेप दिया गया है, इसीलिए बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं कि इसकी तो शूटिंग ही नहीं की गई है, जस्ट VFX चेंज किए गए हैं एंड बस ये हमारे सामने प्रेजेंटेड कर दिया गया है। नंबर फोर, जब श्री राम इन डेनम से फाइट कर रहे हैं तो ये डेनम सीन पूरी तरह हैरी पॉटर से उठाया गया है, क्योंकि हैरी पॉटर में भी ये ऐसे ही डेनम्स है अगर आप ध्यान से देखो तो। नंबर फाइव, पूरा पोस्टर ही चुरा लिया। अगर आपको ये बात नहीं पता है, वैसे आपको पता होगी क्योंकि मूवी आने से पहले ही ये पोस्टर हमारे सामने आया था, जहाँ पे प्रभु श्री राम ने अपने एरो को ऐसे पीछे से पकड़ा हुआ था, लेकिन ये पूरा पोस्टर चुरा लिया गया है शिवा आर्टवर्क से, यानी कि लॉर्ड शिव का एक ऐसा आर्टवर्क जो कि बनाया गया था वानर सेना स्टूडियो के द्वारा। आप जरा खुद देखो इन दोनों इमेजेस में कि कितना ही टो टू टो कॉपी किया गया है। नंबर सिक्स, तो अब ये रॉर वाला वानर का सीन ये भी पूरी तरह उठाया है डॉन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स से। अगर आपको प्लैनेट ऑफ द एप्स नहीं पता है तो ये एक ऐसी सीरीज है जहां पे कुछ इंटेलिजेंट एप्स होते हैं जो बाकी ह्यूमंस के मुकाबले में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। उनका ही लीडर था सीजर, जिसकी रॉर से ये टोटो टू कॉपी करता है। नंबर सेवन, अब ये चीज एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि आपने 600 से 700 करोड़ कहां खर्च किए। जरा आप इस सीन को देखो जहां पे श्री राम पहली बार सुग्रीव जी से मिलते हैं, तो यहां पे ये जो इनका टाउन है, इस टाउन पे आप वानर्स को नोटिस कर सकते हो हर जगह, बट जरा देखो हर वानर का पोस्ट तो सेम ही है। इसकी बात हो, इसकी बात हो या इसकी बात हो, इन सब वानर्स को जस्ट कॉपी पेस्ट के यहां से वहां उठाया गया है। एंड बिल्कुल सेम ऐसी ही चीज हमने देखी इसके राम सेतु वाले सीन में, जहां पे आप देख सकते हो कि एक ही वानर के आपको पता नहीं कितने ही डुप्लीकेट देखने को मिल जाएंगे, जरा देखो खुद ही। एंड इसके साथ साथ लंका के बैटलफील्ड में भी बहुत से ऐसे वानर्स थे जिनको जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, जरा देखो। मतलब भाई 600-700 करोड़ जस्ट कॉपी पेस्ट करने के लिए लिए है तुमने। नंबर एट, ये बात आपको ऑलरेडी पता होगी कि रावण का ये सीन जहां पे ये पता नहीं चमगादड़ है या कुछ है, ये सीन पूरी तरह उठाया गया है गेम ऑफ थ्रोन के इस क्लासिकल ड्रैगन से। हाँ, इन्होंने बस ये कर दिया कि उसमें ड्रैगन था तो हम बैट बना देते, अलग हो जाएगा। नंबर नाइन, व्हाइट वॉल्कर, जो कि गेम ऑफ थ्रोन का एक और करेक्टर है, उससे भी पूरी तरह उठा लिया गया है लुक, जो कि है रावण के इन आर्मीज के बहुत से क्रिएचर्स का। नंबर 10, ये सीन आपको भी पता चल गया होगा, यानी द अवेंजर्स का असेंबल वाला सीन। अगर आपने मार्वल्स की 2012 की द अवेंजर्स मूवी देखी है, तो वहां पे एक सीन था जहां पे सब अवेंजर्स असेंबल होते हैं फ्रेम टू फ्रेम, एंड बिल्कुल सेम ऐसा ही फ्रेम टू फ्रेम कॉपी किया गया आदि पुरुष का ये सीन, जहां पे ये सेम वैसे ही असेंबल हो रहे थे जैसे अवेंजर्स हो रहे थे। मतलब भाई ये तो बहुत ही ज्यादा क्लासिकल लेवल का सीन था जो इन्होंने चुरा लिया। नंबर 11, अब आप इसे इंस्पायर मान सकते हो कॉपी ना मानने के बजाय, क्योंकि ये सीन है अपने हनुमान जी का, जब वो इस समुंदर को लाग रहे होते हैं तो कुछ ऐसा शेप बनता है जो कि सेम एकदम लगता है हमारे सुपरमैन मैन ऑफ स्टील के इस सीन से, जब सुपरमैन को फर्स्ट टाइम ये बात रियलाइज होती है कि ही इज सुपरमैन। तो हाँ, बहुत से लोग मानते हैं कि ये सीन इससे कॉपी है, लेकिन बहुत से लोग मान रहे हैं कि भाई थोड़ा लॉजिक भी लगा लो, क्योंकि अगर पानी से इतना तेज जाएगा तो वैसे ही होगा, तो हाँ वो भी हो सकता है। नंबर 12, अब ये सीन आपको तभी पता होगा जब आपने ये मूवी देखी होगी, यानी इंद्रजीत इक्वल टू फ्लैश। मतलब कि इंद्रजीत यानी मेघनाथ हर जगह फ्लैश की तरह ही भागता फिर रहा है। मेघनाथ की मेन एबिलिटी ये है कि वो धनुष बाण चलाने में माहिर है एंड इल्यूजन कास्ट करने में उसका कोई जवाब नहीं, लेकिन उन्होंने इसे चेंज कर दिया। इन्होंने ये दिखाया कि वो फ्लैश की तरह इधर उधर भाग रहा है, बहुत ऐसे सीन्स तो फ्लैश से कॉपी भी लग रहे हैं। नंबर 13, अब ये सीन फिर से आ गया, जब श्री राम ने इन सब क्रिएचर्स का सफाया किया था ये डेनम्स क्रिएचर्स का, तो पहली बात कि यहाँ पे बाहुबली वाला ये सीन लग रहा था, सेकंड बात कि ये हैरी पॉटर के क्रिएचर्स की तरह
लग रहे थे, लेकिन थर्ड बात ये डिफेंडर स्ट्रेंज के इन क्रिएचर्स की तरह भी लग रहे थे। अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखी होगी तो आपको पता होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी की हेल्प ली थी वांडा को रोकने के लिए, एंड वहीं पे ये क्लासिकल सीन था जो कि आप देख सकते हो कि कॉपी ही लग रहा है। मतलब आप आदि पुरुष वालों की मेहनत एंड टैलेंट समझे, मतलब हमें लगता था कि इन्होंने एक सीन यहां से उठाया तो एक सीन वहां से उठाया है, लेकिन इन्होंने एक ही सीन में तीन सीन्स उठाए हैं। सोच सकते हो कितनी मेहनत लगी होगी इसको करने में। नंबर 14, द जंगल बुक। अगर आपने द जंगल बुक देखी होगी, ऑलरेडी देखी ही होगी आपने, मैं भी पता नहीं कैसी बात कर रहा हूं, तो आदि पुरुष में इतने ज्यादा क्रेचर्स है वो इन सब क्रेचर्स की तरह भी लगते हैं। मतलब जंगल बुक में भी बहुत से क्रेचर्स होते हैं एंड आदि पुरुष में भी बहुत से हैं। नंबर 15, रावण का इस टाइम पूरी तरह कॉपी किया गया लोग किट हैरिंगटन से, जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स का एक मेजर करेक्टर है। लेकिन खैर, इस नंबर 15 वाले का क्रेडिट मैं नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि ये डिटेल मैंने कलेक्ट नहीं किया है, क्योंकि जब मैं इस वीडियो को स्क्रिप्ट वगैरह लिख रहा था तो यूट्यूब में मेरे सामने एक वीडियो आया द सुपर नेशन नाम के एक यूट्यूब चैनल का, जिनका थंबनेल कुछ ऐसा था, तो वहीं से इंस्पायर होकर मैंने ये वीडियो में बता दिया। लेकिन ऐसा मत मानना कि मैंने पूरा वीडियो देख के कॉपी कर दिया, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं भी उस टाइम यही स्क्रिप्ट लिख रहा था और फिर ठीक नहीं लगता क्योंकि डिटेल्स अगर मैच होती तो हाँ, मैं आदि पुरुष वालों की तरह नहीं हूँ कि कॉपी कर लिया किसी और से। खैर, इसी बात पे दो एक्स्ट्रा डिटेल्स ले लो। नंबर 16, थॉर हेयर स्टाइल इक्वल टू रावण हेयर स्टाइल। अगर आपने थॉर की द ड्रैगन रॉक मूवी देखी होगी तो थॉर ड्रैगन रॉक में थॉर का एक न्यू हेयर स्टाइल हमारे सामने आया था। अगर आप इस हेयर स्टाइल को और रावण के हेयर स्टाइल को ढंग से देखोगे तो बिल्कुल मैच कर रहा है। जरा खुद देख लो आप, थॉर के इस हेयर स्टाइल में भी दो कट है, रावण के इस हेयर स्टाइल में भी दो कट है, ऊपर का माला भी सेम ही लग रहा है। मतलब भाई मार्वल से तो कुछ ज्यादा ही लगाव है आदि पुरुष वालों को। लेकिन यहीं पे नहीं रुके, ये थॉर से कुछ ज्यादा ही अटैचमेंट लगती है आदि पुरुष के डायरेक्टर को। मतलब पहले एस्कार्ड चुराया, फिर हैला का रावण की तरह एकदम सेम लुक चुराया, फिर थॉर का हेयर स्टाइल ही चुरा लिया, तो चौथा थॉर का ये आइकॉनिक बायफोर्स वाला सीन ही चुरा लिया। सुपर हीरोज के वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट एंट्रीज थॉर की द वकांडा एंट्री, उसमें ये बायफोर्स खोल के वकांडा में आता है। ये पूरा सीन अगर आप आदि पुरुष का देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम लगता है। जरा देखो, ऐसा लग रहा है रावण भी बायफोर्स खोल रहा है। इसके साथ एक और प्लस पॉइंट, यहाँ पे रावण अपने दो वेपन्स को इस तरह कोलाइड करता है, बट ये सेम हमने एवेंजर्स एंड गेम में देखा जहाँ पे थॉर भी अपने वेपन्स को कोलाइड करता है। समझे कुछ, थॉर से ज्यादा ही लगाव है एंड थॉर के तो ज्यादा ही सीन कॉपी कर रखे हैं इन्होंने। और बाकी बस मुझे तो सिर्फ इतने ही सीन मिले, अगर आपको कोई और मिलता है तो मुझे कमेंट में जरूर शेयर करके जाना। मतलब हाँ, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तो अब आपने लास्ट में क्या आदि पुरुष मूवी देख लिया है नहीं, हमें ये बात कमेंट में जरूर शेयर करके जाना। और अगर देखी है तो कैसी लगी, यार मैं भी क्या सवाल पूछ रहा हूँ। लेकिन खैर, आपको क्या लगता है कि आदि पुरुष वालों ने फेम पाने के लिए ऐसा सब कुछ इसीलिए किया या कुछ और ही रीजन है, या इनसे मूवी नहीं बनी? देखो यार, मूवी ना बनने को हम टॉलरेट कर सकते हैं, VFX एंड CGI इन बातों को टॉलरेट किया जा सकता है, लेकिन जहाँ पे बात आ जाती है हमारी पवित्रता की तो उन्होंने भंग की, जहाँ पे बात आ जाती है हमारे डायलॉग्स की तो वो इन्होंने भंग की, एंड जहाँ पे बात आ जाती है हमारे करेक्टर्स के लुक्स की तो वो भी इन्होंने भंग की। एंड इसी रीजन की वजह से VFX एंड CGI को हम भूल गए, लेकिन इन बातों को हम नहीं भूल सकते, एंड दैट्स व्हाई दिस मूवी इज द बिगेस्ट ट्रैश एवर। बाकी मैंने ये सब बातें ऐड इसीलिए की क्योंकि मुझे वीडियो 8 मिनट से ज्यादा लंबा करना था ताकि मल्टीपल एड्स लग सके। खैर, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब मार के बगल वाले बेल आइकन को जल्दी ऑन कर दो जल्दी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय। Thank you.